हेलो गाइस, तो कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है दो चार्जर और एक छोटी सी डीसी मोटर। इस डीसी मोटर को चलाने के लिए वैसे तो हमारा एक चार्जर काफी होता है, लेकिन अगर हम इसी के साथ दोनों चार्जर को इस डीसी मोटर को चलाने के लिए यूज में ले तो इस डीसी मोटर का क्या होगा। ये अच्छी तरह से वर्किंग करेगी या फिर ब्लास्ट हो जाएगी, वो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने में ही पता चलेगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और हम इसको ज्वाइंट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों चार्जर की मदद से हमारी जो डीसी मोटर है इसका क्या होगा, ये ब्लास्ट हो जाएगी या फिर अच्छी तरह से वर्किंग करेगी। तो चलिए इनको पहले जोड़ देते हैं इनको अच्छी तरह से, और उसके बाद इन दोनों चार्जर को हम पावर देने वाले हैं और देखेंगे कि डीसी मोटर का क्या होने वाला। लो गाइस, तो चलिए इन दोनों चार्जर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। पहले तो इनकी ब्लैक वायर है जो ब्लैक के अंदर जोड़नी होगी हमें, और रेड वाली को रेड के अंदर। राइट गाइस, तो हमारे चार्जर का कनेक्शन जो हो चुका है, आप देख सकते हैं दोनों चार्जर को हमने इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। अब हम डीसी मोटर को इसके अंदर लगाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी डीसी मोटर के अंदर ये अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों चार्जर को सप्लाई देते हैं और उसके बाद देखना आप इसका क्या होता है, हमारी डीसी मोटर का ये ब्लास्ट हो जाएगी या फिर क्या होगा इसका। तो चलिए इनको पावर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इन दोनों को इनके अंदर लगाते हैं। अच्छी तरह से लगाते हैं यार गाइस, ये चार्जर इसके अंदर आ नहीं रहे। राइट गाइस, तो दोनों वायर इसके अंदर लग चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारी डीसी मोटर जो है चलती है या फिर नहीं। जैसे ही स्विच को दबाएंगे चलो भाई, राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं ये डीसी मोटर कितनी तेज घूम रही है यार। अगर हम इसको एक चार्जर को निकाल दे तो क्या होगा। तो चलिए एक चार्जर को पहले निकाल देते हैं। भाई ये चार्जर थोड़ा टाइट हो चुका है, अब देख सकते हैं हमारी मशीन जो है बिल्कुल चल रही है। राइट गाइस, तो एक चार्जर को निकाल दिया फिर भी हमारी मोटर जो है चल रही है। चलिए तो दूसरे को भी निकाल दिया, तो चलिए इसको वापस से लगाते हैं इसके अंदर, फिर भी चल रही है गाइस। अब देख सकते हैं दोनों चार्जर की मदद से हमारी डीसी मोटर जो बिल्कुल आसानी से चल रही है, और हम जैसे ही दूसरे चार्जर को लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये वर्किंग कर रही है गाइस, और इसका पावर थोड़ा सा तेज हो चुका है। जैसे ही एक चार्जर की मदद से चलती है वो ये उसी तरह से बहुत ज्यादा तेज चल रही है गाइस ये। अब देखना हम जैसे ही दूसरे चार्जर को इसके अंदर डालेंगे ये और फास्ट हो जाएगी थोड़ा सा। अब देख सकते हैं कितनी तेज घूमने लग गई है, और जैसे ही हम इनको निकालेंगे उसके बाद देखना। अब देख सकते हैं हमने चार्जर को निकाल दिया है तो ये रुक चुकी है। अब इस चार्जर को हम लगाते हैं और देखते हैं, ये देख सकते हैं आप। राइट गाइस, तो ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जिससे कि ये फट जाए या फिर इसके अंदर कुछ धमाका हो जाए। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रही है। राइट गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी जो डीसी मोटर है ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से वर्किंग कर रही है। हम जैसे एक चार्जर को भी निकालते हैं तो ये थोड़ी सी इसकी रफ्तार कम हो जाती है, बस दोनों चार्जर की मदद से ये थोड़ी सी ज्यादा तेज चल रही है। अगर इसको हम एक चार्जर की मदद से चलाएंगे फिर भी ये चलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड बटन वाले बटन को दबा देना यार, छोटे भाई का चैनल है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।